प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने राजीव भवन रायपुर से बयान जारी करते हुए भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने राजीव भवन रायपुर से बयान जारी करते हुए कहा कि अजय चंद्राकर के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वे अमित शाह के निर्णय का समर्थन करते हैं और अब नक्सलियों को उनके मान में घुस कर मारा जाएगा। प्रवक्ता विकास तिवारी ने आगे कहा कि 15 साल पहले जब भाजपा की शासन थी तो भाजपा को नक्सलियों के मान में घुसकर मारने के लिए किसने रोका था। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर ने बयान दिया है कि नक्सलियों को उनके मान में घुसकर मारा जाएगा और अमित शाह ने जो वचनबद्धता बताई है उसको वह स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अजय चंद्राकर से पूछना चाहती कि 15 साल रमन राज में उनकी सरकार को किसने नक्सलियों के मान में घुसकर उनको मारने से रोका था, यह बात उनको बताना चाहिए। अजय चंद्राकर जी को यह भी बताना चाहिए कि जब केपीएस गिल साहब यहां पर आए हुए थे और उन्होंने जब यहां पर नक्सली उन्मूलन का काम शुरू किया था तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने उन्हें क्यों कहा कि वेतन लो और मौज करो। कौन से तत्व, कौन सी शक्तियाँ नक्सलियों का मदद कर रही थी, अजय चंद्राकर जी को यह भी बताना चाहिए कि क्यों डॉक्टर रमन सिंह नक्सलियों को अपना सपूत कहते थे, क्यों पूर्व सांसद अभिषेक सिंह उन्हें नक्सलियों को शहीद और शहादत का दर्जा देते थे, क्यों नरेंद्र मोदी जी उनको अपना कहते हैं। इन बातों का जवाब भी अजय चंद्राकर जी को देना चाहिए। अजय चंद्राकर जी और भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि क्या ऐसे कारण थे कि कुछ जगहों में सिमटे नक्सली रमन राज में, भाजपा राज में, पूरे प्रदेश में फैल गए और जब उनके उन्मूलन के लिए सुपर कॉप केपीएस गिल साहब को यहां पर भेजा गया था तब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि आप वेतन लो और मौज करो। नक्सलियों के साथ कौन खड़े हैं, नक्सलियों का कस मदद कौन तत्व कर रहे थे, इस बात की भी जानकारी पूरे देश की और प्रदेश की जनता भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी से जानना चाहती है।